एवरीवन, वेलकम टू टाइनी फीड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक यूं तो बहुत ज्यादा खास है, पर सबसे पहले मैं उस बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि क्या होता है कि लास्ट टाइम पे डॉक्टर ऐसा क्यों बोल देते हैं, किन महिलाओं को बोल देते हैं कि अब आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, सी सेक्शन ही होगी, बच्चे का गर्भ ना लिपट गया है और बच्चे का मतलब पेट में पानी कम है, बच्चे में ये प्रॉब्लम है, आप में ये प्रॉब्लम है, सर्विक्स छोटी है, बड़ी है, मतलब अलाने फलाने पता नहीं कितनी बातें वो कर देते हैं, जिससे क्या होता है परिवार वाले डर जाते हैं, आप खुद डर जाती हैं, आपके अंदर अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊंगी तो भी आप डर जाती है, पीछे हट जाती है, क्योंकि भाई सवाल है आपका और आपके बच्चे का। तो कोई भी रिस्क नहीं लेता है, भाई डॉक्टर पे डिपेंड हो जाते हैं, डॉक्टर जैसा बोलता है वैसा ही आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ अवेयरनेस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि क्या अवेयरनेस एक महिला को होनी चाहिए, क्योंकि क्या सिचुएशन ऐसी होती है, एक 20% चांसेस ऐसे होते हैं जहां पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती, कुछ मेडिकल सिचुएशन महिला के साथ होती है, बट 80% महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी करा, छोटी हाइट की हो, पतली हो और बहुत लंबी हो, मोटी हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क पड़ता है आपकी सोच यानी कि आपकी स्ट्रांगनेस से। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। आपकी डिलीवरी हाल फिलहाल में होने वाली है यानी कि 8वां महीना लगा है, तो आपके पास अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, प्रीसेंस टाइम है, जिसमें आप खुद को प्रिपेयर कर पाए, कुछ नॉलेज ले पाए। तो मेरा यही एक मोटिव रहता है कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैं अवेयरनेस दे पाऊं और मेरी वीडियो से आपको अगर हेल्प मिल पाए तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक जो मोटिव होता है वीडियो बनाने का वो पूरा हो जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की। पूरी प्रेगनेंसी में एक महिला के माइंड में ये बात तो जरूर आती है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, या मैं नॉर्मल कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहला जो बात है फ्रेंड्स वो है आपके डॉक्टर का सिलेक्शन, यहाँ पर बहुत मैटर करता है। आपको ऐसा डॉक्टर अपने लिए चुनाव करना है जिसके ज्यादातर केसेस क्या है, नॉर्मल डिलीवरी के, यानी कि आप उनके जो प्रीवियस पेशेंट रहे हैं या प्रीवियस रिकॉर्ड को आप चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा रहा है इस पर्टिकुलर डॉक्टर का, ये ज्यादा सी सेक्शन करता है या नॉर्मल डिलीवरी करता है। तो उस बेसिस पे भी आप सिलेक्शन करें अपने डॉक्टर का। स्टार्टिंग में हो सकता है आप 2 से 3 डॉक्टर चेंज करना पड़े तो भी आप करें, बट इस चीज में बिल्कुल कोताही या बिल्कुल भी कामचोरी ना करें कि एक अच्छे डॉक्टर के पास आप जाने से बचे, या कहे सुने पे कि हमारे तो परिवार से इसी पे चलता है और अगर नॉर्मल होना होगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारी मेडिकल सिचुएशन होती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, कुछ ऐसी मेडिसिन आपको दी जाती है, कुछ सिचुएशन आपके माइंड को इतना वीक कर दिया जाता है कि नहीं नहीं जरूरी नहीं है, नॉर्मली होगा, सी सेक्शन होगा। तो महिला एक अपना माइंड प्रिपेयर नहीं कर पाती यानी कि स्ट्रांग नहीं हो पाती डिसीजन पे, जब कंफ्यूजन में इंसान रहता है तो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता, दूसरे पे ही डिपेंड रहता है, तो वही डॉक्टर करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर का सिलेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपकी कुछ एक्टिविटी, कुछ अवेयरनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा है, बहुत ही स्मूथ आपकी प्रेगनेंसी रही है, तो यहाँ पे 100% चांसेस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही, बस आपको मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करना है। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग से ही कुछ तैयारी करें, जैसे 6वां-7वां महीना आपका शुरू हो जाता है तो कुछ एक्सरसाइजेज आप स्टार्ट करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, और कुछ एक्सरसाइज जो पेल्विक एक्सरसाइजेज होती हैं, डक वॉक है, इनर टॉयलेट की तरह बैठना है, रूम में पोछा लगाना है, वॉक करनी है और लंबी गहरी सांस लेने, प्राणायाम करने, विटामिन डी लेनी है, इनकी बॉडी में कोई कमी भी नहीं यहाँ पर होनी, मतलब है जैसे आयरन कैल्शियम की कमी डेफिशिएंसी महिलाओं में होती है और हीमोग्लोबिन की कमी महिला में होती है, तो हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखना है आपको, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है और जैसे चुकंदर, आप सर्दियों में चुकंदर, गाजर, पत्तेदार सब्जियां बहुत अवेलेबल हैं, खट्टे फल हैं जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गए, खट्टे फल खाने से विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी बॉडी में रहेगा तो आपके बॉडी में आयरन को ऑब्जर्व करने के लिए मतलब अवेलेबल रहता है और वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, तो आपका हीमोग्लोबिन बना रहेगा तो आयरन भी आपकी बॉडी में पूरा रहेगा, और कैल्शियम की दवाई जैसे आपके डॉक्टर ने आपको दी होगी, जितनी भी सप्लीमेंट है आयरन के, कैल्शियम के, बहुत सारी महिलाओं को विटामिन डी का इंजेक्शन लगता है क्योंकि विटामिन डी नहीं होगा बॉडी में तो आयरन, कैल्शियम और ये सारी चीजें कैसे बॉडी में बनेगी। तो धूप में भी आपको जरूर आधा घंटा बैठना है, टहले तो धूप में टहले, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक आप करती हैं, और एक्सरसाइज करें, पूरा पानी पिए, हाइड्रेट रहे अपने आप को और एक्टिव रखने की कोशिश करें। बहुत सारी महिलाएं क्या सोचते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो मैं बीमार हूं, लाइक कोई काम नहीं करने देना, फैमिली वाले भी नहीं करते कि अरे सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, अरे ये काम नहीं करना है, ठीक है पोस्चर आप अपना ठीक रखें बट आप बीमार नहीं है, आप सीढ़ियां भी चढ़ सकती हैं, उतर भी सकती हैं, सारे घर के काम कर सकते हैं, भारी भरकम सामान नहीं उठाना है प्रेगनेंसी में क्योंकि प्रेशर पेट पे आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उठ नहीं सकती, झुक नहीं सकती, लेटे रहना है, इससे कुछ नहीं होता है, आपकी बॉडी इनएक्टिव होती है, मसल्स और डल होनी शुरू हो जाती है, वैसे ही प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है, बच्चे का वेट बढ़ता है, तो उस वजह से क्या होता है बॉडी थोड़ी डल रहती है, मूड स्विंग्स होते हैं, बट आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, एनर्जेटिक रखना है, तभी आपकी एक डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है।
जो महिला इस तरह से अपनी दिनचर्या रखती हैं उनकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होती है, बहुत ही आसानी से होती है, पेन लेस होती है। तो ये चीज अपने माइंड में जरूर बैठाएं जब भी आप प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करते हैं या प्रेगनेंसी प्लान करते हैं कि आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने से एक तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, तो जो आलतू फालतू की बीमारी जैसे हो जाती है, बीपी लो हो जाता है या आप डल फील करती हैं, मॉर्निंग सिकनेस आप फील करती हैं, वीकनेस फील करती हैं, सारी चीजें नहीं होंगी। मूड स्विंग होने में काफी रिलैक्स आपको मिलेगा, क्योंकि मूड स्विंग होता है प्रेगनेंसी में, बट मूड स्विंग पे कंट्रोल रहेगा अगर आप थोड़ी एक्टिव रहेंगे और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, खुली हवा में टहलेंगी सुबह शाम थोड़ा सा, और घर के काम करेंगी। तो हल्के फुल्के काम करें, मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई एकदम मतलब ऐसे मजदूर की तरह लग जाओ, ऐसा नहीं, ये एक्टिविटी मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। एक्टिव रहने का मतलब है कि आपको घंटों तक एक ही पोजिशन में नहीं बैठना है, कि बहुत सारी महिलाएं बैठे रहती हैं, फूड क्रेविंग होती है, आप फास्ट फूड बहुत सारी महिलाएं खाने लगती हैं कि मेरा चटपट खाने का मन हो रहा तो ये खाना, तो हेल्दी भी यहाँ पे खाना खाना है, एक्टिव भी रहना है, प्रॉपर नींद भी लेनी है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये सारी चीज़ों से आप बचोगे तो फ्रेंड जरूर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी, बच्चा भी बहुत हेल्दी आपके हाथ में। प्रेगनेंसी का ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आपके पास प्रॉपर टाइम होता है अपने बच्चे को अच्छे से नरिश करने के लिए, क्योंकि जब एक बच्चे को आप अच्छे से नरिश करते हैं, वो बच्चा उसके जो नरिशमेंट है वो गर्भ में करी गई जो नरिशमेंट होती है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, वो बच्चे काफी अच्छे लाइफ में सक्सेस होते हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में और उनकी जो इम्यूनिटी वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो आपके पास अच्छा चांस होता है अपने बच्चे को अच्छे से नरिश करने के लिए, उसको जितना हो सके आप डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करें, उसको हेल्दी एक न्यू एक बेस जो होता है बच्चे का वो गर्भ में ही होता है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे फ्रेंड्स तो डेफिनेटली एक तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफी हो जाएंगे। लास्ट का डिसीजन आप छोड़ दीजिए, माइंड को बना के रखें कि अगर एंड टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन हुई तो वी कैन गो फॉर अ सी सेक्शन, अदरवाइज यू गिव योर 100% एंड आपके माइंड में रखना है कि हाँ मैं अपना 100% दूंगी। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपकी डिलीवरी बहुत ही अच्छी होगी और आपकी प्रेगनेंसी की आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा 1% में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।